लखीमपुर घटना में मृतक किसान के भाई ने सीएम योगी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेने की मांग की। बहराइच के नांदपारा विधानसभा क्षेत्र के मोहरनिया निवासी जगजीत सिंह ने इस्तीफे की मांग करी। लखीमपुर में हुई घटना में बहराइच के दो किसानों की मौत हुई थी। बंजारन टांडा निवासी दलजीत सिंह व मोहरनिया निवासी गुरविंदर सिंह की मौत हुई थी। दलजीत सिंह के भाई जगजीत सिंह ने वीडियो बयान जारी कर केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा न होने पर यूपी में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे को दोषी बताते हुए इस्तीफे की मांग करी। दास जगजीत सिंह, दलजीत सिंह बड़े भाई, नानपारा डिस्ट्रिक्ट बहराइच। बहुत दुख और खेद के साथ आज मुझको वीडियो बनानी पड़ रही है। 3/10/21 को जो हमारे भाइयों के साथ में, मेरे भाई के साथ में और 4 किसान भाइयों के साथ में जो वारदात हुई थी, उसको लेकर हमारा दुख जोगी जी के साथ में। जोगी जी का तब बयान था, अगर अजय मिश्र टेनी इसमें शामिल हुए, इस वारदात में वो इन्वॉल्व होते हैं तो हम उनको पद से इस्तीफा दिलाकर उचित कार्रवाई करेंगे। जोगी जी अब आप कहाँ हैं? 3 तारीख को 3 महीने होने जा रहे हैं। एसआईटी कमेटी ने सब कुछ साबित कर दिया है कि जो भी हत्या हुई है जानबूझकर साजिश के तहत मर्डर थी। बहुत 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 ज़्यादा दुख वेदना है हमको। शरेआम पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, अब धाराएं बदली जा रही हैं। आप मंत्री को इस्तीफा दिलाकर उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो जब तक वो मंत्री पद पर है? हमको उचित कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है। योगी जी, हमारी आपसे दरख्वास्त है, जल्द से जल्द उनका इस्तीफा दिलाया जाए। अगर आपने किसी मजबूरी में आकर उनका इस्तीफा नहीं दिलाया, उनको मंत्री पद से नहीं हटाया, तो मजबूर होकर हमको यूपी में बहुत ही बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार और योगी सरकार होगी। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, हमारी बेनती को प्रवान करें। सत श्री अकाल जी। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।